करनाल के इंद्री के जैनपुर साधान गांव में देर शाम फिर से दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष का आरोप है कि झोपड़ियों में आग लगा दी गई और उन पर तलवारों व अन्य हथियारों से हमला किया गया। इस दौरान 3 से 4 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें एक लड़की समेत 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर DSP रमेश कुमार व SHO सतपाल भारी पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे और स्थिति को संभाला। बता दें कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला करने के आरोप लगाए हैं, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों ने आरोप लगाए कि उस पक्ष के लोगों ने उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी और उन पर तलवारों व अन्य हथियारों से हमला कर दिया गया और उनके 3 लोग इस हमले में घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि 3 दिन पहले जैनपुर साधान के डेरा में 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें पुलिस ने शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया था और उस विवाद में भी कई लोग घायल हुए थे। बल्कि एक दिन पहले गांव जैनपुर में एक महापंचायत भी हुई थी, जिसमें कुछ निर्णय लिए गए थे। ग्रामीणों की इस पंचायत में जैनपुर समेत आसपास के गांवों के लोग भी शामिल हुए थे। इंद्री DSP रमेश कुमार ने कहा कि जैनपुर साधान गांव में 2 दिन पहले झगड़ा हो गया था, पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था और जब ये लोग जमानत पर आए तो एक पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस अस्पताल में गई है और पता कर रही है कि कितने लोग जख्मी हुए हैं और जांच की जा रही है कि घायलों को चोट कैसे मारी गई। फिलहाल जमानत पर आए लोगों पर हमला किए जाने की बात सामने आई है। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। सर, हम अपने खेत में जा रहे थे जी, मैं और मेरा भाई जी, तो वहाँ से आके जी हमारे ऊपर हमला करा जी कुछ लोगों ने जी। तो जैसे अब हम आगे के अपनी जान भागे तो उन्होंने असला चला दिया, बंदूक के साथ ले रखी थी जी। हम बहुत मुश्किल में अपनी जान बचा कर आए जी, ये जा रहे थे सामने आगे जी हमारा खेत है जी। अच्छा सर, हमारे खेत में से पहले तो उन्होंने धान काट लिए थे जी, हमने इन्हें रोका परसों जी, तो चलो सरपंच पंचायत करेंगे, तो ये 7-8 जने आए, तो मैं तो था नहीं, तो मेरे भाइयों को सबके ऊपर हमला करा, एक सीरियस है जी। तो आज फिर चलो देखो, हमने सोचा चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन हम आज फिर खेत में, तो आज फिर दोबारा हम पर हमला कर दिया उन्होंने। तो सर, हमारे वाले को चोट आई हुई जी, हमारे के 7-8 के है जी। हाँ जी, और पुलिस वाले भी उन्हीं के साथ दे रहे हैं जी, वो हमारे साथ कोई नहीं है जी, पुलिस भी उनका साथ। हाँ जी, उन्हीं के साथ दे रहे हैं जी, वो तो सर बंदूक भी ले रहे हैं, हमारे पास वीडियो भी उसकी जी। हाँ जी, झोपड़ियों में आग सर उन्होंने लगाई, वो वीडियो भी हमारे पास ही है जी। हाँ जी, उन्होंने खुद लगाई? हाँ, खुद लगाई जी। मैं लड़ाई तुम्हारा, मेरा नाम राजेश कुमार है जी। बात यही हुई जी, आज 3-4 दिन हो गए, अर्जी हमने पंचायत भी कराई, अर्जी पंचायत वालों से भी यही, सिर्फ हमने किसी से यही बात कही जी, हमने किसी से दुश्मनाई नहीं है, ना हमने किसी से लड़ाई झगड़ा लेना, हमने तो सिर्फ इतनी बात कहनी थी, मखा जो हो गया सो हो गया, बाकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना करो, जो समझौते से बात बन जाए वो ठीक है। हमने तो जी पंचायत भी करी इसी वजह से, बाकी आज 3रा 4था दिन है, हमारे साथ जी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई और ना ही हमारे साथ कोई सुविधा हुई, आखिर मान लो हमें कोई सुविधा मिल जाए, हम इतने परेशान हैं जी। मेरे डैडी के सिर में लगे हुए टंके आए हैं, मेरा बड़ा भाई के हाथ में चोट आई है, जो सबसे बड़ा है जी वो हॉस्पिटल में सीरियस है, बाकी मैं सिर्फ यही हाथ जोड़ के आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है जी, बाकी जो समझौते से काम हो जाए वो सही है, बाकी लड़ाई झगड़े का समाधान नहीं होना चाहिए। आज भी हत्ता भाई ये आने से अपने आप ही खुद ही इन्होंने करी, यानी हमने आज से 3 दिन पहले झगड़ा होया, हमने क्यों नहीं हत्तापाई कर ली किसी के साथ है? इन्होंने आते ही जी रोड़ा पत्थर ईंट चलानी शुरू कर दी, और हमारे पास फिर यानी कि गांव की सपोर्ट होगी जी, कुछ और बाहर के बंदे आए तब हमारी जान बची जी। नमस्कार जी, हमारे यहाँ पे जी पूर्वी हैं मेरे बराबर में जी, हमारे घर पर आए और घर पर आके 20-30 आदमी आए और हंगामा करके और हमारे साथ और मेरे चाचा के पेट में तलवार, पता नहीं तलवार मारी है या गोली मारी है ये तो पता मालूम नहीं है जी। घरों में आए, घरों में आग लगा के चले गए जी, और साथ में सरपंच भी था और काफ़ी आदमी थे जी, और चाचा हमारे मरने की हालत में है सर, और एक मेरी सिस्टर है उसके भी चोट है काफ़ी यहाँ पे, और साथ में एक भाई है हमारा उसके भी चोट है जी, भियों के साथ लग के और सरपंच ने आके और यहाँ पे हंगामा करवा दिया और घर पे आके मार के चले। पहले यहाँ से हुई थी कि हमारे बच्चे हैं जी, बच्चे कंपेन चल रही थी वहाँ पर जी, वहाँ और साथ में बच्चे जीरी जारी चुक रहे थे जी, पूर्वी उन्होंने बच्चों को पकड़ कर पीट दिया, और हमारी जो चाचा की लड़की है वो गई, उसके साथ उन्होंने हत्थापाई कर दी, हत्थापाई करने पे हमारे जीजा जी चले गए, जीजा जी के यहाँ पे मार के कसी और नीचे गिरा दिया, और साथ में ऊपर से मेरा भाई गया वहाँ पे उसके साथ मार पिटाई कर दी, उसका कान काट के अलग कर दिया जी, और वहाँ से जी फिर इंद्री चले गए, इंद्री जाने के बाद भी फिर इन्होंने
हमारे साथ वहाँ पे भी जाके हंगामा कर दिया और वहाँ पे साथ में हमारे साथ वहाँ मारपटाई करी है सर। तो हम तो जी वहाँ से इंद्री से जमानत करवा के आए थे, इंद्री हमारे चलान हुए हैं जी, अभी 5 ही मिनट हुए तो घर पे आए हुए हमारे को, आते ही देखते ही हमारे को एकदम से हंगामा कर दिया। 70-80 आदमी थे जी, साथ में सरपंच था, सब सिंचाई के सरपंच था, सरपंच ने हंगामा करवाया। कार्रवाई ये चाहते हैं जी कि हमारे हमारे को इंसाफ दिया जाए और हमारे साथ ऐसा ना किया जाए जी। साथ में झोपड़ियाँ पीछे जी, झोपड़ियाँ हमारी आए 20-30 आदमी और आग लगा के और मारपीट करके चले गई। ऐसी हुई सर, यहाँ मेरा चाचा उधर से वहाँ अपने घर पे बैठा था जी, इधर ये 20-30-50 आदमी आए जी, वहाँ से इकट्ठे हो गए तो जी यहाँ इन्होंने डेरे पे आके हमला कर दिया जी। तो उसके पेट में इन्होंने जो विक्की है जी, विनोद, रवि, ये वो अपने आप को RSS के मेंबर बताते हैं जी, तो इन्होंने उसके पेट में तलवार मार दी जी। तो इधर से सारे में ऐसे रुका पड़ गया जी, इधर से 50-60 आदमी इधर से डेरे में आ गए जी, हथियार ले रहे थे। तो यहाँ आने पर इन्होंने जैसे छाने झोपड़ियों में आग लगानी शुरू कर दी जी। तो जी हमने पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया जी, पुलिस मौके पे पहुँची जी। तो इसी ये हम तो ये चाहते हैं पुलिस प्रशासन से जी, इनके जो एक बंदा हमने इनका मौके पर पकड़ा है जी, उसके पास हथियार था जी, 2 नंबर का हथियार ले रहा था, हमने वो पुलिस को सौंप दिया है जी वो आदमी, और हथियार भी पुलिस को बरामद करा दिया है। तो हम तो प्रशासन से ये चाहते हैं जी, इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और हम गरीब आदमी हैं जी, हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए जी, इस तरह की घटना ना घटे जी, हमको हमारे हम लोगों को इनसे खतरा है जी। ये भी बोल रहे हैं जी भाई, हम तुम्हारे को यहाँ से उजाड़ेंगे और तुम्हारे घरों में आग लगाएंगे, और अगर जो पुलिस प्रशासन ना मौके पहुँच जाता जी, ये पता नहीं क्या करते जी हमारे साथ, हम गरीब आदमी है जी, हमारे हम पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं जी, हमारी रक्षा की जाए जी। गाँव जैनपुर में 2 दिन पहले मुसलमानों का और से इनका बेगपुरिया का आपस में झगड़ा हुआ था, जिनका मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, जो आज ये जमानत करा के आए थे और उनको पता कि ये खेत की तरफ से आ रहे हैं, तो दूसरी पार्टी ने जाकर उनका रास्ता रोका, उन पर हमला करने की कोशिश की गई। एक पार्टी पूर्विया है, एक पार्टी शेख मुसलमान है। तो हमला किन पर हुआ जी? शेख पूर्विया ने इन्होंने हमला किया है मुसलमानों पर। कितने लोग घायल हैं सर? अभी तो हॉस्पिटल में गए हैं, जाकर हॉस्पिटल में पहुँच करके पता किया जाएगा कितने घायल हैं, क्या कार्रवाई है और किस तरह से क्या इन्होंने चोट मारी है। तो पहले जो 2 दिन पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें हमने 2 आदमियों को अरेस्ट कर लिया था और आज वो जमानत पे आए थे। तो कोई तोड़फोड़ वगैरह भी हुई? कुछ नुकसान नहीं, आज कोई तोड़फोड़ नहीं है, लोग इकट्ठे हो गए थे जिसके कारण से हमने गांव में आना पड़ा और इनको सब समझा करके अपने अपने घरों में भेज दिया गया है। दोनों पार्टियों को बुलाया है, दोनों पार्टियों को बिठा कर आमने सामने बात की तसल्ली की जाएगी, किसकी किसका कसूर है किसका नहीं है, जैसे ही कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। तनाव कम होगा? हाँ, तनाव वाली कोई ऐसी बात नहीं है, अभी शांति है, कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं है। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी ये लेके गए हैं उनके, यदि उनके खिलाफ उन्होंने ऐसा काम किया है तो उनके अरेस्ट डाल दी जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।